Yeah, why this boosters is important, this vaccination. मतलब ये ये मतलब चीज़ बचपन में एक बार दे दी गई गई थी जब वो माह का बच्चा हाँ। था तक की एज में उसको ये vaccinations मिल And after that, then फिर उसको ये मिल फिर एक पैकेज बूस्टर के नाम पे लगाया जा रहा है ये क्यों जरूरी है अच्छा। अब क्या ये 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 जरूरी है या बस उसको हाँ, ये, ये बहुत से पेरेंट्स मेरे क्वेश्चन भी करते हैं तो वैक्सीन पूरी करा ली तो अब हम बूस्टर क्यों पैसे वेस्ट करें तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जब आपने 80 परसेंट उस बच्चे की प्रोटेक्शन कर दी उसको वैक्सीन्स कराएं, इतनी मेहनत की कि आप उसको पैसे भी एक्सपेंसेस एक्षपेंस, भी कर रहे हैं आप उसको लेके भी आ रहे हैं और उसके साथ जब आप रह गया जब जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करती जाती है एंटीबॉडीज़ लेवल जो हमारे अंदर बना होता है वैक्सीन देने की वजह से वो कम होता जाता है अब बूस्टर का मकसद होता है कि हम जब दोबारा से वो वैक्सीन देते हैं तो जो एंटीबॉडीज़ लेवल जो प्रोटेक्शन लेवल या जो इम्यूनिटी लेवल कम हुआ होता है वो बूस्टअप कर जाता है वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाता है अच्छा अब ये लास्ट टाइम है इसके बाद फिर आगे एज में किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब जब बंदा जैसे मेरी एज का हो आप और बाकी अगर कोई ज़यीफ़ एज में चला जाए तो उनको ज़रूरत पड़ेगी अच्छा इन वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती हाँ एक वैक्सीन जो इन्फ्लेंज़ा वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन जो आप कहते हैं वो हमारे ये होता है कि एल्डरली जो बेचारे ज़ईफ़ लोग होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उनमें हम लगा सकते हैं और वो हर साल लगती है इसके अलावा कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपकी वैक्सीन जब पूरा हो जाता है कैजल अगर आप इसके अलावा तीन चार एडिशन जो मैं आपको भी बता रही हूँ कि जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है वो भी लग जाती हैं तो फिर ज़रूरत नहीं